बालोद में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभा को संबोधित करते हुए विधायक कुंवर सिंह निषाद ने कहा कि देश में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की बात जब भी आती है तो छत्तीसगढ़ में बालोद जिला के ग्राम बिरद निवासी दाऊ ढाल सिंह दिल्लीवार का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। वे अविभाजित दुर्ग जिले की जमीनी राजनीति के प्रथम पुरुष थे। वे बचपन से ही गांधी जी से प्रभावित थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल भी उनकी प्रतिभा और प्रभाव के कायल थे। भिलाई इस्पात संयंत्र स्थल निरीक्षण और चयन के लिए जब पंडित जवाहरलाल नेहरू और शुक्ल ने भ्रमण किया, तब उन्होंने सिर्फ दाऊ ढाल सिंह को ही अपने साथ रखा और यही संयंत्र समूचे देश का गौरव है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी दाऊ ढाल सिंह का सम्मान करती थी और उनके समकालीन ये मानते थे कि वे राजनीति नहीं बल्कि समाज नीति में विश्वास रखते हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्वधा में एक नाम और गुंडरदेव विधानसभा के ग्राम प्रीत में जन्मे दाऊ ढाल सिंह दिल्लीवार जी के प्रतिमा के अनावरण और साथ ही उनकी जयंती ग्राम प्रीत में मना है। और सबसे बड़े बात कि जैन व्यक्ति के चाहे वो समाज के प्रति योगदान, सरकार के प्रति योगदान और जैन अपन पद में रहते हुए भी एक ऐसे नेतृत्व ला करे है, मैं समझता हूँ वो अविभाजित दुर्ग जिला के समय वो अपन नेतृत्व क्षमता के लोहा मना है। दाऊद हाउस की दिल्लीवार जी दिल्लीवार कुर्मी क्षत्रिय समाज के आदर्श हैं। यह समाज ने उन्हें आदर्श घोषित किया है, अपना मुखिया माना है। दाऊ ढाल सिंह दिल्लीवार जी महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, इसकी जानकारी आपको सभी संबंधित किताबों में मिलेगी। वो दुर्ग के प्रथम जनपद अध्यक्ष थे। उस दौर में दुर्ग विधानसभा के द्वितीय आजादी के पश्चात वो विधायक बने।